दयाल परमत बोहारिया भगत वशल तेरा विरद हर पतत उदारिया तुझ बिन नाही कोए बिना मोहि सारिया कर गल हो दयाल सागर संसारिया हम मैले तुम उजल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूर्ख तुम चतुर सियाने तू सर्व कला का ज्ञाता माधो हम ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन निको ठाकुर देसा तुम सब साजे साजन वाजे जियो पिंड दे प्राणा निर्गुण यारे गुण नहीं कोई तुम दान दियो मेहरबाना तुम करो भला हम पलो न जान है तुम सदा सदा दयाला तुम सुखदाई पुरख विदाते तुम राखो अपने बाला तुम निदान अटल सुल्तान जी जंत सब जाचे को नानक हम एह हवाला राख संतन के पाछे जामे अमृत ज्ञान है मानुख भक्त बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग जामे अमृत ज्ञान है मानुख भक्त बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग तनासरी महे सुहंदिया हर पिरसंग बैठड़िया तिनकी शोभा क्या गणी जे साहिब मेलड़िया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दे साजी अनवाज जी परम पूज सन्मान योग गुरु खालसा साह चंग जीओ अकाल पुरख सच्चे पातशाह दी मेहर वानगी है प्रेरक है नेता है जिहड़ा कि सानू किरपा करके संगत करा रहा है नहीं तो साडे वर्गे किन्ने भैन भरा हन उन्हों का कोई ख्याल ही नहीं माई भाई किन्ने दूरों दूरों प्रेम नाल सरद नाल पुजरे हन संगत का गुण बहुत पाठ सूहा गण को उधारे संगत का एक बहुत खास गुण है संगत कारण तो सरदा भावना वधी है कार पुरख सच्चे पातशाह ते निश्चय आंदा है सगन भावना पूजा पावन भगत ना होए तेरी रहनी बहनी सारा कुछ संगत का गुण बहुत कई है बड़ा कुछ मिलता है सुभागे हैं संगत करन तो जिन्हें भी पाप हैं सरदा नाल संगत करन तो वो नाश हो जाते हैं। पंजवें पातशाह श्री अमृत साहिब सुभाए हैं बड़ा गुरमुख पैरों का जिमें तारका मल जनक मोती हुंदा घेरा पाया होया जिमें परिवार हुंदा बहुत जिमें चंद्रमा चकोर देखदियां टक ला के क्रस संगत दे नेत्र एक टक गुरु महाराज का चंद्रमावार स्वरूप है बाणी दियां किरणां नाल अग्ञान दा नेरा मेट रहे हैं माया मोह चंद्रमा नूं मात पा रहे हैं। महाराज सच्चे पातशाह जी दया कर रहे हैं गुरसिख बुद्धियां कवियां खिड़ रही हैं
गुरसिखा ने भाई बुढ़ा जी नूं अगे ला के पतवंतियां ने बेनती की, महाराज असी पंडित तों मेहनत दा फला देश नहीं सुनना, आप सुनाओ कृपा करके। पतवंतियां गुरम खां की बेनती नूं मन के महाराज सच्चे पातशाह ने जिथे हाल बनया संग मरमर दी मंजी साहब है वो थां बहुत सुखैन बहुत सरल एक एक पंक्ति विच दो वेदां शास्त्रां दे गुझे भेद हन। महाराज ने एक पंक्ति बख्शते निरना करते बहुत सौखी सुखाली बाणी उच्चारण की है, ये तो स्त्री रूप अलंकार है। महाराज के पातशाह साड़ी जिहड़ी जींद है ना इनू स्त्री बना के काल पुरख नूं पति बना के सिक्ख्या दे रहे हैं, या जिहड़ी साड़ी उपास बिरती है ना उस नूं पटराणी बना के परमात्मा नूं पातशाह बना के स्त्री रूप अलंकार द्वारा महाराज सिक्ख्या बख्श रहे हैं। मंगर माहे सुहंदिया, मगर दा महीना ना इहदे विच सगल गुणा गुण उत्तम भारता दौड़ना पेखरी। जिहड़ी बीबियां सगल गुणा गुण उत्तम भारता दौड़ना पेखरी, पति ते पामा पेके घर सौर किते भी है डर पै मन दियां सेवा भाव रख दियां हन, सारा नालों वड्डा गुण है जो डर पै आदि विच मेरा पति तां दरवेश है, पति मेरे घर बैठ तां धर्मग है। तन फिर ए ना आखिया बहन इकट्ठे होए एक जो मूर्ति ना तन फिर कही ना सोए, बाहर तो बैठ जाना ओ बह जाते हैं पर मनो ही मन करके बैठना, जिमें गुरसिख का गुरु का स्वरूप तो दो है पर आत्मा तो एक है, चेतन कला तो एक है। इस तरह जो ईश्वर दे गुण हैं उत्पत पैथा पालना त्रजामी जान, जो जीव दियां खट उर्मियां भुख तरे प्यास है जन्म मरण है, इन्हें त्याग करके वाहत भी तां चेतन करता ही है। इतना जेड़ियां बीबियां जिग्यासु रब दे प्यारे मगर माहे सौंदियां हर पिर संग बैठड़िया, जो हर हरती पापा ने चुतर हरि परमात्मा है ओदे नाल मन मेली कर मेल मलंदे। मन करके साबत दे विच मन नूं जोड़ना सावधान कागर करना जोड़ना, मगर माहे सौंदिया ਉਹ ਸੇਵ ਵਨੀਕ ਹਨ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨ ਭਾਈ ਮਗਰ ਮਾਹੇ ਸੁਆਂਦੀਆ ਹਰ ਪੀਰ ਸੰਗ ਬੈਠੜੀਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ मनारी संगतां विच आया, हिंदू मत अनुसार वो
हिंदू मनाते हैं। उसका कारण हिंदू मत मुताबक जिमें दस चंगा जंगी योधा होया है, चंगा बहादुर होया है। एक बेरा दैतल देवतों का जंग बड़ा तीखा बड़ा हो रहा है। इंद्र बादशाह ने अपने वजीर अहलकार भेज के अयोध्या विच राजा दशरथ की मदद मंगी, फौजा समेत मेरी सहायता करो, दैतों नाल मेरा जंग बहुत तीखा हो रहा, खतरा है। मैं बेनती मान के राजा दस चले तैयार होया। जो मतरेई मां श्री रामचंद्र भगवान की के कही, ये पति नूं जाण वेले तैयार होंदे नूं वेख के आखन लगी, पति देव जी ये नहीं पता हार जित किवें की होवे, हो सकदा जे जंग विच तुसी मौत दे मुझ पै गए मर गए मैं नाल सती होवांगी, फटे पुरु होए मैं जख्मी नूं सांभांगी, जे कोई मैनू ट्रेन गया मैं राज बची हाँ, अराथा कनार की कोई मदद करन दी लोड़ पई मैं करांगी, मैनू नाल लेके जाओ। राजे ने खुश कर लिया, चले गए। बड़ा तीखा जंग, दैत ने वार चलाया, दसदार रथवाई मार दिता। फिर दैत ने बहुत तीर मारे रास्ते, बहुत इसने मर्दा वाला लवास बना के कई ने बिचों कट लेगी। जिथे राजा चाहता ना उथे रथ लेके जाती है, बहुत ढंग नाल रथ संभाल के वैरियों नूं बड़ा मारिया। दस्त ने दैतां दी हार हो गई, भज गए। काल लैके मूँह विच दैतां ने बेनतियां कीतियां तां छड्डे नहीं मारते सी। उदों दस्त राजा आखन लग्या, ठीक है तू वेले सिर कम आई है, मेरी जिंद जान बचाई है, बड़ा चंगा रथवाई का काम किया। मां की चाहती है? कहते दो बचन वार मंगा कि उदों जदों समा आवेगा राम। उदों दस ने सामने पे चलो ठीक है मंगू शायद। कहते चंगा समा लंघ गया। उदों वशिष्ठ जी आए हुए, वेद पाठ पूजा हो रही है, हमन हो रहे हैं, रामचंद्र नूं राज तिलक देने वास्ते तैयारी है, सारा कुछ बोक आए बैठे हैं। देखी परमात्मा इहनूं पता लग्या एक समीर इलाके थी इहदा भरत मुंडा सी, उहनूं छेती सद्या, वो भी आ गया। जा बड़ी सभा विच राजान, हाँ जी हुण मौका है, जिहड़े दो वार सी हुण मैनूं दिओ। कहिंदे मंग भरत नूं राज, रामचंद्र नूं बनवास। सारी सभा भी बछीट वर गए, देखी मुने भी दंग जे हो गए। दशरथ आख्या भी इस्त्री ते शस्त्र चलाण दी आग्या नहीं, शस्त्रां विच मना है, नहीं तां हुण तेरे मैं दो टुकड़े कर दिंदा। बनवास तां नलायक नूं नकम्मे नूं
भैड़े काम करने वाले कुरतूतां माड़ियां वाले नूं हुंदा। ये तो भगवान है, 14 कला समर्थ है, इस नूं आ कुछ करना। रामचंद्र भगवान भी पता लग गया भी तरह गल हो रही है, आपे आ गए जिथे बैठे सी रात तिलक देने की तैयारी विच। आ गए आपे, पिता जी अरे नहीं हो जो माता जी कहती है वो वार पूरे कर दो। मैं आपे खुद तारका राक्षसनी है, बड़ा दुख दिंदी है तां कर दी है, कई काम मेरे कारण गोचर हैं। मैं आप खुद ठीक कह रहा है, वनवास मैं दे दो। इस तरह वनवास हो गया, भारत आया तो बेकार ते सुन बसान चुप चाप जी। वो कहते गल के तो नहीं पता, तेरी मां की करतूत राम भगवान वनवास दवाता, तेनू राज देने की मंग। वो गल आखियां भरत ने, भरा वर्गा प्यार नहीं विखार ना हो, भरा वर्गा वैर नहीं जे प्रेम ना हो। बहुत इन्होंने बेचारे भरावान का बड़ा प्रेम प्यार से, वो कहते करा ले राज। जिमें बंदर टपा ना बंदरी, बंदरी सामने वाले तो इतना कर दी है, तेन शर्म नहीं आई, करा ले राज। एक युवराज 14 कला सपन्न भगवान उन्होंने वनवास, इतना चलो रहती गल चल गए भगवान जी। उत्थे जो राक्षस मारी मोरी बड़ा कुछ किया, फिर जो वनवास के दिन पूरे हो गए, रामचंद्र जी अयोध्या विच आ गए। बाकायदा भारत ने राज की करना से कहण तो कहते मैं जिहड़ी रात आनी पिता दी उत्थे राज नहीं करना, वक रात आनी बना के रात तेरा खड़ाम दे दो, रात नूं जब तब दिन करा करांगा। क्यों जदों रामचंद्र भगवान आए अयोध्या विच, बाकी दा राज तिलक दित्ता गया, उदों खुशी प्रगटावा। उदों दिवाली मनाई गई, हथबाजी चलाई गई, ये तां गुरु हिंदू ख्यालां दे उहनां दे ढंग दी दिवाली है अपनी। जदों मेरी पीर दे मालक शहनशाह पिता जी ने पिता शहीद होण तों वायदा कर लिया बे सुख दी नींद नहीं सौना, पंजवें पातशाह दे सपूतर नहीं कहाना, जदों तक चंद्र दा नक पाड़ के तेल पा के ये तो बदला ना लवांगा, इहनू खत्म ना करांगा। मैनू अकिरत करन दा दोष लगे, मैनू मित्र द्रोही दा दोष लगे, मैनू जिवें आत्मघाती नूं पाप लगदा इन्ना लगे। पालन कर ले सुना ते काल तखते, तरा तर कर लिया संगत बल्ले बल्ले। वो वजीर है बहुत सख्त, पालन कर ले माता गंगा जागले बेटा आके किता। वो वजीर है कहते, वो वजीर है वो तो व्यक्ति है, अकाल निरंकार नहीं कार धारिया है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी असी उन्हां दी छेवीं जोत है। एक हंकारी बंदा,
ਜੇਕਰ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਛਲ ਬਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਜਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੱਕ ਪਾੜ ਕੇ ਨਖੇਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਰਾਵ ਸਵਾਬੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਲ ਬਲ ਕੀਤਾ ਪੋਸ਼ਿਕ ਬਚਨ ਦੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਨਕਦ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ 67 ਆ ਗਈ, 7.5 ਸਾਲ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਡੋ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰੂ। ਜੋਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰਾ ਮੁਰਜਾ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ 67 ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਛੇਤਰੀ ਬੰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ। ਉਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਤ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਚਿੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਰਮੀ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਬ ਗਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਹੈ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਉਹੀ ਨਾਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਲੱਭ ਗਏ, ਸਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਜੇ ਜੋਧੜੀਆਂ ਕਰ ਲਏ ਪੁੰਜੇ, ਬਹਾਦਰ ਰਾਜਪੂਤ ਅਣਖੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਨਰਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਸੰਗ ਲੜਾਏ ਹੈ, ਬਾਤਰ ਫਟੇ ਹੈ, ਜੂਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਰੇਲੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਚੰਦੂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜਰੇਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੱਜ ਲਈ ਪੁਸ਼ਾਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕ ਚਲੀਏ। ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਿੰਨ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, 1300 ਰੁਪਇਆ ਰਾਤ ਰਾਤ ਹੀ ਖਿਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਿੰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਰਜਵਾਈ। 40 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, 41ਵਾਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪ ਹੋ ਗਏ ਦੁਆਲੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਨੰਦਰਾਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ, ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸ਼ੇਰ ਪਾ ਕੇ 67 ਆ ਗਏ, ਉਹ ਮਰੇ ਗਏ ਮਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਬਾਲ ਦੇ ਕੇ ਉੱਧਰ ਅੱਧ ਹਟਾਏ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਓਏ 40 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲੀਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, 41ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਕੱਢੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਗੇ, ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਫਿਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਜੇ ਕੀਤੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਅਹਿਲਕਾਰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾਓ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਬਈ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਛੇਤੀ। ਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਜੋਦੜੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 52 ਰਾਜੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਧਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਹੈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਆ ਤੇਰਾ ਆ ਇਸ ਕਾਪੜੀ ਛਲੀਏ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਮਾਲਕ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੁੱਖੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ,
घर भी जेल बना के तत्तियां तवियां ते तत्ते पा के इतना सेध किया है ना, बड़ा घबरा गया। फिर मियां मीर ने वो कहते हो ये तेरे वजीर है, तेरे आसरे लेके इतना किया उन्होंने, वो तो कंब गया बल्ले बल्ले। चलो मिनटा तरले किते कहते चलो महाराज सच्चे पातशाह चोला पैर के चोला, चोलों की तनिया होंदिया ना तनिया कलिया पौड़ा के जिन्ने कान दे उन्ने कढ लिया। हो महाराज अंतरजा मेरा बरूप है पहला ही बुंजा पंजा कलिया वाला चोला सवाया खुला डुला, हाले भी बड़ी कढ़ानी हैगा वो जिंदा त्यो। महाराज सच्चे पातशाह जी ने कहते आ जाओ भाई महाराज सानू लेके जाओ, कढे कढ के बाकायदा उन्होंने राज भाग दवाए, अपने को एक घोड़ा बख्शस राज बहाल करके। कुदरती है सत्कार नाल जहांगीर बैठा सदैव चले गए मुश्कपुर दे चेते मोती उजल माला से हथ विच माला आ मेरू नाल कोई मनका कहंदे तेरे आ वजीर कोल पिता शहीद किते यह पूरी माला है। कहते वो लिया मैं देखता वो चवान कुतर करके खराब करते ही कितने लभनी सी, वो कहते आता नहीं लभदा फिर मुल मुल कितने मिलनी सी। भेजा एहलकार आया छिक बजे पग डिग भी घोड़े तो चढ़न लग्या, जदों आया बहुत लो महाराज आ तुहाडा पापी है, इनू कहते तेरे तो लिख लवेंगे तेरे तो हिसाब किताब तेरा लेना, तेरी हुकूमत अंग नहीं वह है वो महाराज खेमा कर दो दया कर दो मैनू। कहते नहीं कह महाराज कृपा करो आ तुहाडा दोषी है, पकड़ो बीधी चंद नू पकड़ाता मारिया जूता पग डिग पही मुस्कां कायम करके काबू करके तरन साहब नक् पाड़ के नकेल पा के अमृत साहब आए से। तदों गुरमत अनुसार हरिमंदर साहब वास्तवाड़ी बड़ी चली घर के बोहियां ते केले गड्ढे के खंभ जे खुशियां मनाई से गुरमत तरह दिवाली मनाई है रोह विचार। मगर माए सौंदिया पेरार संग बैठड़िया ओ सोभने कान जेड़िया रूहां अकाल पुरख परमात्म जुड़िया हन अकागर बिरती है परमान परजे निंदा सिमरति, इन्हां नूं रोक के परमान देखण वाली चीजां भूत भिख आन वाला समा पिछलियां गल्लां छड के जेड़ियां इन्हां ते उत्ते हो गईयां जिवें सिद्धन प्रश्न किया महाराज जो बकुंठ दियां मुक्तियां हैं उन्हां तों कोई होर भी चीज करन योग है। कहंदे हां दर दर्शन का प्रीतम है मुक्त बकुंठ करै क्या, जेड़ा रब दे दर्शन दा इच्छावान है दर्शन देख जीवां गुरु तेरा पूर हो कर मेरा। वो इना सलोक समीप सुरूप सुजी जी इन्हां नूं की चाहुंदा है, वो तो मुक्त पड़ी भी ज्ञानी त्यागे इन्हां दे उत्ते हो जाता, जेड़ा इन्हां दे उत्ते हो गया अंतरात्मा बिरती कर ली वो महाराज सच्चे पातशाह मगर
मां मेरा घर शरीर विच रब है, प्रभ नेरे तो नेरा है, अंतर आत्मा है, अंतस्कार विच परमात्मा है मेरा। तुरिया वास्ता विच बैठे हैं, बैठना एकाग्र होकर जुड़ना बहुत औखा है। उत्थे कोई चटाई ते नहीं बैठता, कोई मृगशाला ते नहीं बैठता, कोई उन ते भूरे ते नहीं बैठता। आसन बैसन थिर नारायण, वह रब दे सरूप जुड़ के बहिंदियां परमात्मा दे सरूप विच। रूहां काल पुरख दे विच मगर दे महीने राही सिखिया है, जो मम मेरे हृदय घर विच परमात्मा है, शरीर विच है, अंशकरण विच है। जिहड़ी इतना समझ के ना रब विच उड़ के बैठियां रूहां, तिन की शोभा क्या गणी। संग जी उन्हां प्रेमियां दी जिहड़ियां मन मेली कर मेल मलन दे जिहड़ियां रूहां रब विच जुड़ गईयां, मिल गईयां, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर बन गईयां, उन्हां दी प्रभुता, उन्हां दी महिमा की बयान करी है, की कहिए, कहीं नहीं जांदी उन्हां दी प्रभुता। ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਰੂਪੇ ਬਣ ਗਏ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਲੜੀਆ। ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੇਲ ਲੀਆਂ, ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਮੇਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਗਲਵਟ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਮੇਲੀਆਂ। कांगड़े जिमें कांगड़ात इलाके भाई बेदी चंद बहादुर गुरसिख की भेटा घोड़ा दो कट के लिया है। मेरी पीर दे मार्ग महाराज ने बेदी चंद छेना गुरु का सेना गलवकड़ी भी चलिया है। की कह दिए प्रभता भाई बीदी चंग बहादुर दी, बड़े तो बड़े औखे तो औखे काम करके दिखाए हैं कि प्रभता आखिए बहादुर दी। जिमें महाराज सच्चे पातशाह दा शीस भाई जीवन सिंह लेके आया है, वार पहला ही देता सी नवें पातशाह ने ਤੁਹਾਡੇ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਜਲਾਦਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਦੇਖੋ, ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬੇਰਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਪਾਹੀ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਆਏ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੈ। महाराज ने छत नाल ला लिया, रंगरेटे गुरु के बेटे की प्रभत आखिए। भाई मंज जो सखी सर्वराज दा होरे सर्व होरे उपाक सी, ओ सिखी देव कहते जाने दो बेड़िया ते पैर रख के बाहर नहीं हो सकता। सिखी कमाणी औखी है, गरीबी देखनी पैग तेरी, सरपंच ताई तेरा माल धन खत्म सारा हो जाओ। कहते महाराज मन प्रवान है, मैं सर्व का थोड़ा ढा देंगा। ढाया टोया गल उही होगी, सरीके वाला ने सरपंची खोल ही, वह जायदाद ही कब्जा कर लिया, का को खोद के गुजारा कर लिया, बड़ा कुछ कसवटियां लगियां। अखीर ते आप दे कोर सद लिया, रुख जा नहीं दिखाया। लंगर दे जथेदार नूं लंगर नूं कह के कहिंदे आ करो बेदी ड्यूटी,
बालन लिया करे, बालन सुका लंगर सेवा करे। लग गया वो कितों छकदा ने पानी, कहते लंगर बिचों, कहते दिहाड़ी लादा। एदार एदार बुद्धि स्वच्छ नहीं होनी, इन आखो लंगर बिच रोटी नहीं खानी। चंगे चंगे घरों तो मंग कहे, होरां छका के छकनी है, इतने कर लिया। अखीर ते बालन लिया सेवा करदा, बर्तन मानदा बड़ा कुछ। रब दी नेत, बालन सुका जा मिल गया, ज्यादा भारी वाल उत्थे जाना किन्ना सी। आपे पंजवां पातशाह ने हनेरी जगाती कौतक, आ रहा हवा पिछा धकदी है, मन तो रहत खूह सी, भाई मन का खूह बनाया होया था गुरुद्वारा, उहदे विच डिग पिया, भरी नहीं सिटी, हड़बड़ाए उठे। महाराज दरबार साहब तो कोई कोड़ी लियांदा, कोई पर लोड़ नहीं, लज लिया लज ज्यों ते चले नंगे चल नहीं, यकदम चल गए। ओ पुरखा तू कौन है, मैं गुरु घर का सेवादार हैं। वो भोलिया लोका भारी सिट दे, ओ मार मैं करदा खड़ा, मेरी सेवा बिघन पै जू, संगत भुखी जाणगी, हाँ मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। भारी कढ़ी दो चार वर ने आ गया बाहर, बल्ले बल्ले तुहाडे कौत कितना है, तुसी सेवकां दी दुख पीड़ा सार नहीं सकते, हर हर क्षेत्र ते ऐरवत हाथे नूं तंदू इन्हां तारां पाईआं, चढ़ गड़ ते आए तारां कट्टियां, द्रौपदी नूं नंगा करन जां बादो दी साड़ी बधाई, महाराज तुहाडा बिरदे है। महाराज खुश हो गए, मां की चाहता, जफ्फी भी चलिया गलवकड़ी भी ले लिया। मंझ प्यारा गुरु नूं गुरमंझ प्यारा, मंझ गुरु का बहुत था जग लंघन हार, जहाज बनाता। मां की चाहता, महाराज मैं ता चल चुल गया, वो भी तुसी कसवटियां विच पास कीता, कलयुगी जीव है इन्नी कसवटी ना लाया करो। कहंदे सोना मेती विच निकलदा खान है, बारह पुठा देण तो सदोंदा, थोड़ी बहुत ही ला लिया करंगे चंगा। होर मंग महाराज, जिहड़े माई भाई प्रेमी संसारक रुझे में छड के, संसारक दे धंदियां नूं छड के गुरबाणी पढ़दे हैं, उन्होंने फल ज्यादा दया करो। कहंदे तेरी उम्र वह थोड़ी जी है, लो तुहानू सचखंड दे पहरेदार दरबार च बना दिंदे हैं, उत्थे जिहदे बाणी कंठ सुनाऊगा, इन्हें भी शरीर मच गया संस्कार हो गया, नहीं सुखम दे निकल गई। मरन हार जिहड़ा नहीं, जिहड़ा जी बात है मरन वाली चीज नहीं, अमर है ठोस है। नदी सर नदी आपका नचकल न सोचती मारता, कृष्ण भगवान लिखता जड़ा आत्मा उन्होंने एटम बंब नहीं बन सकता, कोई चीज नहीं बन सकती। ट्रैफिक हेठा आ गया, शरीर फुट गया, निकल गया, आत्मघात किया, जहर खाली शरीर फुट गया निकल गया, वह नहीं इस तरह, वो मरण वाला नहीं, वो दे सारा कुछ रहत बैत सारा कुछ। जिमें टैब रिकॉर्ड जो भरी दी चीज भरी जाती है वो जाता अगर, भाई मान जी इन्हों की दिव निगार महात्मा की उत्थे तक पहुँच है। वो कहते जदों रूह जाती ना अगह पर लोग गवन, भाई मंझ जी ओदी रासना देखता भी किन्नी किन्नी बाणी पढ़ी है, फिर भी ने पढ़ी नहीं, कन्न देखता टोके भी किन्ना किन जस कीर्तन सुनिया। इस तरह जिन्हां दे बाणी कंठ है सुना दे हैं सचखंड मिलता, बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। बाणी कंठ करन दा इन्ना लाभ है,
देख लो रह रात सारी बाणी पढ़नी, पढ़ अमर छक के कहीं इन्नी आलस रब बख्शे। वो कहते चौप इधे पाजो जब से पाठ कर लेते हैं, वह सानू करोगी काम पड़े सानू ही ओम है। बहुत अलपगता है, अज्ञान ग्रस्ता। पांच प्यारे जिमें कलगीधर सच्चे पातशाह ने आनंदपुर साहब अमृत छकाया सरजीत किते अमृत रौ के उन्होंने मर्यादा दसी, कमर कसा करके खड़ के फिर तुसी ज्योति रब रूप हो काल पुरख ने तुम्हें सोत्र बना के भेजा की घाट है। कहते सानू हुक्म है जिमें छकाया, तेरी सारी मर्यादा दसी। वो जिमें कलगीधर ने मर्यादा दसी है वो पांच प्यारे उही दसदे हैं भी जिस बाणी द्वारा अमर का वाटा तैयार होया छकाया गया उहदा ताजा मन हो जाता। इन्हां बाणी राही असी अमर छकिया, मूल मंत्र गुरु मंत्र भी जाप करीदा भी हाँ यह भी दोहराया सी। जिहड़ा ताज तरह करनगे लावे लाभ है, जिहड़े वेसले हन संसारक मुख चीजा पढ़ाइया बड़ा कुछ कोर्स जो रख ले करते नहीं फिर उन्होंने सचखंड भी कितना मिलना है। इस तरह भाई मंझ न छाती नाल लाया उन्होंने की पैर प्रभत आखिए भगतान गुरमुखों रब दे प्यारों सरन रूह धार के मिले हैं। नाम दियो हर जियो बसै संघ नामे नारायण बहत्तर वारी जन्म साखी गवाही दे रही है नामदेव दी। वो कहते नमे तो नवा रूप धारिया है, नमे तो नवे काम किए हैं। वेख लो किन्ने अपने प्यारा नू उतां चुकया है, किन्ना वड्याया है, आपां कुछ कर नहीं रहे, करन वाले काम तो वेसले हन, ना करन वाले काम होरे काम विच पै गए। तंद पिट सार साडी हालत है, तन मन मौलिया राम सिओ, जेड़े आपने भेद कर ले उन्हां दी तन मन मौलिया राम सिओ, मौलिया फरफुलत गुरु प्यारियां दा तन मन मौलिया राम रमंती रमंती राम कहायो। रमन व्यापक है, संसार वाग दा माली है, उहदे नाल मौलियो प्रफुल्लत ऐसा जाप किया है मान करके कर लो ऐसा जाप किया। वो रोम रोम विच जाप अजप्पा जाप चल पिया, उन्हां दा मन अमन वास्ता मर फुलना ठांदा ही नहीं, मन मेरे धावन से छुट्यो कर बैठ्यो विश्राम, मन टेकिया कागर हो गया। अन कलेस मिटेस अनके मन ज्यों जाप किया जाप किया वैसा आदि व्याधि सारे शरीर दे सारे पाप खत्म हो गए। उन्हां दा मन बड़ा कागर है, शरीर रों रों जाप करता है। संग साध सहेलड़िया, संग साध सहेलड़िया किवें प्रबोधित है, साध स्वै कार्य कर स्वै कार्य सिद्धति पर कार्य ताजता साधा साध नाम जाके निर्मल कर्म वही साध जाने जाके नाही उपाध मन। कपटिया छलिया वस्तता पाले, कपटिया छलिया ना होए होरे पखंडी ना होए, इन्हें मन साध्या उन्हां गुरमुखां जिगासुआं दी सेलड़िया संगत करके जिग्यासू सखियां दी रब दे प्यारियां दी
जिन्होंने आत्मा ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਮਨ ਵਾਸਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਦੱਸੋ ਪੁੱਠਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧੂ ਧਰਮਾਤਮਾ ਅੰਤਰ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਭਜਨੀਕ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆ ਕੇ ਵੜਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕਥਾ ਹੋਤ ਹਰ ਸੰਤਨ ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਨਾ ਕਿਣੋ ਮੈਂ ਫੇਰਾ ਲੰਪਟ ਚੋਰ ਦੋਤ ਮਤਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਸੰਗ ਸਦਾ ਦਸੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਾ ਜਿੱਥੇ ਕਥਾ ਉਰਿਆ ਕੇ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਜਣਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਧਰਮਾਤਮਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਬਾਜ ਰਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦੂਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਦਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਮਨੋਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਟੀਆਂ ਜਠੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਿਰਤ ਕਣਕ ਰੱਖਣ ਕੋਈ ਨਰ ਘੋਰ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਣਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹਰਜੀਓ ਮਾਤਾ ਹਰਜੀਓ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਨੋਤਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਸੇ ਦੇ ਬਟੇਰ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮਨੌਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੇ ਰਹਿਣ ਅਕੇਲੜੀਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੌਪੜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹਨ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਭਜਨੀਕ ਹੈ ਕਾਗਰ ਆਉਂਦਾ ਖੁਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਬਕਾਰ ਚਿਤ ਲੱਗਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਬਕਾਰ ਹੋਰੇ ਪਾਸੇ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਲੀ ਨਰਦ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੌਪੜੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਬਹੂ ਉਤਰੈ ਹੋਰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਕਣਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਲਮਕਣ ਦੇ ਪੀੜਾਂ ਦੁੱਖ ਜਨਮ ਦੇ ਫਿਰ ਪਰਲੋਕ ਜਾਣ ਦੇ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੇ ਧਰਮਪੁਰੀ ਦੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਦੁੱਖ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਮਰ ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ 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 ਹੈ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਪ੍ਰਿਆਂਤ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਦੁੱਖੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੇ ਜਮ ਕੈ ਵਸ ਪੜੀਆ ਲਓ ਆਹ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਲੋਕ ਆਵਣਗੇ ਬੰਨਣਾ ਗਠੜੀ ਗੁਣਨਾ ਵਿਆਜੈ ਹੋਏ ਬੜੇ ਔਗਣ ਖੱਟੇ ਬੜੀ ਰੱਜ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਬੜੇ ਅਮਲੋਂ ਵੇਚੇ ਬੜੇ ਖਾਧੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੌਗਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾ ਲਿਆ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਲਈ ਵਿਰਾਗ ਪ੍ਰੇਮ ਪੰਠਾ ਗਿਆਨ ਪੰਠਾ ਪਹਿਲ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰੱਖਿਆ ਦੁੱਖ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੰਜਦੇ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਰਾਵਿਆ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ
रावया आनंद जाप करके सिमर करते बाणी द्वारा जिन्हें आत्मानंद माणिया है से दिसन नित खड़िया सावधान कागर चेत हर द्वारे खड़िया दर्शन करिया सावधान होके जिमें पटराणी पानी लैके पखा लैके रुड़ दी चीज लैके पातशाह कोल खड़े बड़ा खुश होंदा। इस तरह जिहड़ियां रूहां रब दे प्यारे साधु महात्मा पातशाह काल पुरख है प्रेम दा जल लैके प्रेम जल लैके रिदे खड़े हैं दुनिया तो पक्ष मोड़ के दुनिया का पक्ष छड के रब का पक्ष लैके खड़े सावधान। रतन जवेहर लाल हर जिन्हां ने संसार गहने तां यह रौला रप्पा ही है उल्ट पुलट है खर्च करचई आई है बकार बधांदा संगार संसारक जिन्हां ने रब नूं परमात्मा नूं खुश करन वास्ते हृदय विच बराग प्रेम ज्ञान कंठ नाम पुछण हृदय च पै रहा है करना मैत्री जिहड़े गुण हन इन्हां लड़ियां विच जिन्हां ने प्रेम ज्ञान अकंठा पै रहा है आंदे जांदे सुवास नहाल बड़े प्रेम बराग बचा के ज्ञान विच स्थित हो के जिन्हां ने जाप करिया है उन्हां दे सारे संगार रब नूं खुश करन वाले संगार बन गए। कंठ तिना जड़िया उन्हां दे हृदय विच पुक्षन बनिया गहना नानक बांछै धूड़ तिन उन्हां गुरमुखां प्यारां दी जिन्हां ने प्रेम ज्ञान बराग धार के वाहिगुरु सच्चे पातशाह दे नाल जुड़े हन उन्हां दी चरण धूड़ बहुत वड्डी चीज़ है। पुठी रेखा मेट के सीधी रेखा करन दी है जिवें भाई सवेग सिंह दे पुत्र दी पुठी रेखा मुसलमान बन रही सी उस समय चढ़दी कला वाले सी बहुत पक्के कट्टर से सिख पापी ने सूबे ने मुसलमान वास्ते मुसलमान बना बड़े जागड़ किते बड़ा कुछ सजा दितियां चढ़ के चढ़े बड़ा कुछ किया मन्ने ही नहीं फिर भेद दंड प्यो पुत्र दा भेद पाण वास्ते मुंडे नूं सद्या ओ तेरा प्यो तां बुढ़ा है बथेरा खा पी लिया हाले तेरा हुसन जवानी है हाले तो तू बहुत लाभ लै लै जिंद बचा लै मुसलमान बन जा। वो कहिंदा मेरा प्यो मां कट्टड़ मैनू दियांस मेरा सिर गुरु नूं समर्पण है मैं गुरु वाला हाँ कि मैनू परोसदा की करदा बिल्कुल नहीं बनना बड़ा कुछ सजा दित्तियां बड़ा कुछ किया अखीर ते किस दे भार वे लमकाया पर मन्या नहीं चोबा ही दित्तियां ऐरन मंगा के ना ऐरन लोहा पाव के लोहा गर्म करके दाग लाए मास बचाया मन गया मैं बन जाता कहते खुशियां मनाने चिराग जे बालन सिरोनिया तेरा मुंडा जेल विच है प्यो कहते मुसलमान तैयार है आवाज सुनी बल्ले बल्ले ओ रब्बा कलगी तार जब मैं उतरा चंगा से आ कलंक पाई बल्ले बल्ले सेख मुंडा मुसलमान मैं मेरे घर क्यों जन्म दिता अरदास की महाराज मैं उतरा जी मेरे घर भेजा इनू सिखी विच पक्का करो मजबूत करो सिखी बख्शो
लो चार अंगूठा फेर के कट दी रेखा, पुठी रेखा कट दी, सीधी रेखा सिखी दी। गंगा जमुना सराती तरह करै उदम तोर साधु की ताई, कि मैल भरे हमरी मैल साधु की तोर गुआई। गंगा जमुना सराती भी वो भी चरण धूड़ मंगते हैं रब दे प्यारियां दी, बड़ा गुण है। कहीं सियाण है हरिमंदर साहब होर भी देखी दा, बीबियां उत्थे दी धूड़ जी चने दे पल्ले दे बन दियां रेखा बन दिया, उन्हां प्रेमियां दी सरदा रूप धूड़ सानू बख्शो, मेहर करो। गुरमुखा दी चरण धूड़ साजन की धूड़ कर ले माथे लावो, बड़ा गुण है। सर दा धूड़ दे दियो उन्हां गुरमुखां दी, प्रभ सरनी दर पड़िया। जेडे साब सगल द्वार को छड़ के गयो तुहारो द्वार, जेडे नमाने नताने आपां भी सारे दर छड़ के, सब ते उच्चा दर बाबे नानक दा, जा को ठाकर उच्चा होई सो जान पार कर जात ना सोही। वो होर पासे जाते हैं, पखंडियां दे डेरे जाते हैं, देवदे चाले जाते हैं, वो तो फिर वही मनमती है दुरमती है। सारे दर छड़ के मन तन करके, मैंने किश किश आए न मोरा अवसल जरा साधना जान तोरा, किसी कोई कोई मांझन माणी हिक तू। जेड़े सारे दर छड़ के गुरु संघ द्वारा गुरु दी शरण पए हन, मंगर प्रभ आराधना मेरे हृदय विच है, अंशकरण विच है परमात्मा, इतना नेड़े तो नेड़े प्रभ समझ के ना जड़े चेते करते हन। बोहड़ना जड़ मड़िया उन्हों लाभ है, वो बोहर मुड़ के जन्म विच आते नहीं, जे जन्म मौत भी नहीं है, जन्म धार के आते नहीं, मर के मड़िया विच संस्कार नहीं उन्हों का होंदा, वो जन्म बार तो रहत हो जाते हैं। सो महाराज सानू संबत बख्शे, वो सावन की रेण का आओ हमारा पास जियो, सरद रूप तूड़े हजे रब दे प्यारियां दी सानू मिले। सिद्धांत आया हरिदे घर विच अंतकरण घर विच नेड़े तो नेड़े रब नू समझ के और जुड़न का प्रयत्न करना है। जुड़ना की सावधान कागर चेत, जुड़दा संगत राही चंगे व्यक्तियों राही जोड़ने का प्रयत्न करिए, लोग सुखी पर लोग सहले होइए। दियो सजन सिसड़ियाँ जो होवे साहिब से उम्मीद, लंगरा तैयार है जिन्होंने हाले चक्कर नहीं छको प्रेम नाल। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।